कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज यानी शनिवार को चौथा दिन है। सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत खंडवा जिले के मोरटक्का से हुई, जो आगे चलकर करीब 7 बजे बड़वाहा पहुंची। यहां से आगे बढ़ने पर रास्ते में उन्होंने कचरा बीनने वाली एक महिला से रुककर से बात की। बड़वाहा से करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर राहुल गांधी चोर बावड़ी के पास बने एक होटल पर अचानक चाय ब्रेक के लिए रुक गए। इसी दौरान वहां भागदड़ मच गई, जिसमें दिग्विजय सिंह गिर गए और उनके ऊपर कुछ कार्यकर्ता भी गिर गए। तभी अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठाया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई। आगे यात्रा करके जिले के मनिहार तलवाड़ा होते हुए महू पहुंचेगी। राहुल यहां अम्बेडकर स्मारक पर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करेंगे। इसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। मंच पर उनके साथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत देश व प्रदेश के करीब 44 नेता मौजूद रहेंगे।